हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इजी फार्मा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में यहाँ पे टॉपिक कवर करने वाले लोशंस, यानी फ्रेंड्स हमारे लोशंस क्या होते हैं, फुल डिटेल्स में हम इसको देखेंगे। फर्स्ट फ्रेंड्स हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन, जो फ्रेंड्स आपको इंग्लिश और साथ ही में हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड की जाएगी। देन फ्रेंड्स हम देखेंगे प्रिपरेशन, हमारे लोशंस होते किस तरह से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। देन फ्रेंड्स हम देखेंगे पूरी इसकी फॉर्मुलेशन, किस तरह से हम इसको बनाते हैं। साथ ही में फ्रेंड्स हम देखेंगे कंटेनर्स, यानी बनाने के बाद किस कंटेनर को स्टोर करते हैं। देन लेबलिंग और साथ ही में स्टोरेज। तो फ्रेंड्स फुल डिटेल्स में पूरे ही टॉपिक को यहाँ पर हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड कराते हैं सब वीडियो लेक्चर्स जो बिल्कुल सीरियल वाइज होते हैं। फ्रेंड्स साथ ही में इसके नोट्स जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसकी लिंक फ्रेंड्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे टॉपिक चल रहा है ये फार्मास्यूटिक्स का चल रहा है, डी फार्मा फर्स्ट ईयर। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर्स यहाँ पे रहे हैं, जैसे ऑइंटमेंट्स, क्रीम, पेस्ट वगैरह, फ्रेंड्स टॉपिकल प्रिपरेशन हमारा चल रहा है, तो सभी लेक्चर्स हमने यहाँ पे कवर किए। ये वीडियो लेक्चर्स आपने नहीं देखे तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में आकर इनको इजिली वॉच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं आज का हमारा टॉपिक, यहाँ पर लोशंस, यानी फ्रेंड्स हमारे लोशंस क्या होते हैं। तो जनरली फ्रेंड्स आप जानते हैं यहाँ पे लोशंस क्या होते हैं, जनरली आप लोशंस का यूज़ भी करते हैं जनरल लाइफ में बहुत ही टाइप से। यानी फ्रेंड्स आपने टीवी वगैरह पे ऐड भी देखा होगा, हमारे लोशंस जो होते हैं बॉडी लोशंस वगैरह होते हैं, भाई सर्दियों में उनका यूज़ करते हैं क्या, ड्राई स्किन पर फ्रेंड्स क्या होता है, यानी एक तरह से देखा जाए तो फ्रेंड्स बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोशंस का यूज़ करते हैं। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं यहाँ पे इसके डेफिनेशंस। लोशंस आर लिक्विड प्रिपरेशंस इंटेंडेड टू बी अप्लाइड एक्सटर्नली। यानी फ्रेंड्स हमारे लोशंस जो होते हैं क्या होते हैं, ये लिक्विड प्रिपरेशंस होते हैं जिसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, एक्सटर्नली स्किन, यानी फ्रेंड्स हमारे जो यहाँ पे एक्सटर्नल स्किन होती है उसके ऊपर हम इसका यूज़ करते हैं। ऑन ब्रोकन स्किन, एक तो हमारी कटी फटी स्किन होती है, भाई मान लीजिए कोई भी इंजरी वगैरह हो रही उस पर यूज़ करें क्या होता है फ्रेंड्स। देन ब्रोकन स्किन जो यहाँ पे होती है एक तरह से आप कह सकते हैं क्या होता है, कोई भी कटा फटा नहीं होता है, कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाती तो उसमें एक तरह से इसका यूज़ करते हैं। विदाउट फ्रिक्शन, अब फ्रेंड्स क्या होता है कुछ तो हमारे जैसे लिनिमेंट्स वगैरह कुछ ड्रग्स होते क्या होता है फ्रिक्शन के साथ उसको यूज़ करते हैं, कहाँ पे एक्सटर्नल स्किन पे, जिस फ्रेंड्स को होता है अपना इफेक्ट करती है, यानी विदाउट फ्रिक्शन के साथ में हम इसका इजीली यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, दे आर फॉर्मुलेटेड एज ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल इमल्सन। यानी फ्रेंड्स हमारे जो यहाँ पे क्या होते हैं ये लोशंस होते हैं एक तरह से देखा जाए तो इमल्सन की फॉर्म में होते हैं, यानी या तो ऑयल वाटर के अंदर होता है या वाटर ऑयल के अंदर होता है, जो इमल्सन की फॉर्म में होता है हमारे यहाँ पे लोशंस होते हैं। जैसे फ्रेंड्स क्या होता है, मान लीजिए क्या है आपके पास एक कंटेनर से, अब क्या फ्रेंड्स आपके पास क्या है यहाँ पे ऑयल है और यहाँ पे वाटर है, तो एक तरह से वाटर जो होगा यानी ऑयल जो होगा वाटर के अंदर ही प्रेजेंट्स हो सकता है और आपका वाटर जो होगा यहाँ पे ऑयल के अंदर ही प्रेजेंट्स हो सकता है, यानी एक तरह से वाटर इन ऑयल और ऑयल इन वाटर इमल्सन की फॉर्म में क्या होते हैं आपके यहाँ पे लोशंस होते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम देख लेते हैं, एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स लाइक गोज और कॉटन वूल इज सोक्ड इन लोशंस एंड देन डायरेक्टली ओवर द अफेक्टेड एरिया। यानी फ्रेंड्स क्या होता है, मान लीजिए क्या है आपके पास लोशंस है, अब फ्रेंड्स क्या है आपके पास इस तरह से किसी कंटेनर में लोशन है, आपको कहाँ पे यूज़ करना है इसको, आपको स्किन पे इसको यूज़ करना है, यानी फ्रेंड्स आपको स्किन पे यूज़ करना है तो क्या लेते हैं इसके अंदर ये लोशन भरा हुआ है, आप एक या तो फ्रेंड्स कॉटन ले सकते हैं यहाँ पे या गोज वगैरह ले सकते हैं, तो एक तरह से क्या करती है एब्जॉर्ब करने का वर्क करती है यहाँ पर लिक्विड को। तो फ्रेंड्स आप इसका यूज़ लेते, इस तरह से आपने इसको लिया लोशन में डुबाया तो क्या करते फ्रेंड्स एब्जॉर्ब कर लेते, देन अपनी स्किन पर इसका यूज़ कर लेते, इससे फ्रेंड्स क्या होता है गोज या कॉटन की हेल्प से इनका यूज़ आप करते हैं। चलिए फ्रेंड्स इसकी डेफिनेशन आप चाहें तो इसको हिंदी प्लस इंग्लिश में भी इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। अब फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं प्रिपरेशंस ऑफ लोशंस, यानी हमारे पास जो फ्रेंड्स लोशंस होता है किस तरह से हम उसको प्रिपेयर करते हैं। अब फ्रेंड्स की प्रिपरेशन जो होती है बहुत ही ज़्यादा ईजी होती है, यानी फ्रेंड्स बहुत ही कम स्टेप होते हैं जो आपको इसके अंदर करने होते हैं। जैसे फ्रेंड्स क्या करना है, आपको कोई भी लोशन बनाना है, अब आप क्या करते हैं आपको इंग्रेडिएंट्स फ्रेंड्स यहाँ पे लेने हैं जिसका आप लोशन यहाँ पे बना रहे हैं। क्या करना है फ्रेंड्स, आपने सभी को लिए यानी ट्राई टू रेटिंग के दूंगी, क्या करते हैं फ्रेंड्स आप इसको मिक्स कर लेते हैं, एक तरह से आप क्या कर लेते हैं यहाँ पे स्मूथ पेस्ट की फॉर्म में आप इसको यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स जब पेस्ट की फॉर्म में यहाँ पे चेंज हो जाता है उसके बाद आप क्या करते हैं आप इसको डायल्यूट करते हैं देन फ्रेंड्स टू केयरफुली विद रिमेनिंग लिक्विड बेसिस। यानी फ्रेंड्स क्या होता है जो हमारा बचा हुआ यहाँ पे क्या होता है रिमेनिंग लिक्विड होता है फेस, उसको हम क्या करते हैं दोबारा से इसको ऐड कर देते हैं, जिससे फ्रेंड्स क्या होता है हमारे लोशंस यहाँ पे प्रिपेयर हो जाते हैं। अब फ्रेंड्स आप कंफ्यूज होंगे, चलिए आगे हम इसको समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अब फ्रेंड्स मान लीजिए हमें क्या करना है कोई भी केलेमाइन का लोशन बनाना है, तो फ्रेंड्स उसको हम कैसे बनाएंगे, देन फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं किस तरह से हम इसको बनाएंगे, यानी आर एक्स फ्रेंड्स इसका मीन्स आप जानते हैं यानी टेक करना, यानी कितनी अमाउंट फ्रेंड्स हम इसको लेना है और साथ में कौन से इंग्रीडियंट्स को यहाँ पर लेना है इसको हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे केलेमाइन के हम लोशन बना रहे हैं, इसलिए जो मैक्सिमम क्वांटिटी हम यहाँ पे लेंगे वो केलेमाइन की ही लेंगे, यानी केलेमाइन जो फ्रेंड्स हमारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे होंगे उसको हम 15 ग्राम लेंगे, जिंक ऑक्साइड को फ्रेंड्स 5 ग्राम हम लेंगे, साथ ही हमारा बेंटोनाइड जो होता है उसको 3 ग्राम लेंगे, साथ में सोडियम सिट्रेट जो होगा फ्रेंड्स 0.5 ग्राम लेंगे, एंड इसमें हम लिक्विफाइड फिनोली फ्रेंड्स ऐड करेंगे 0.5 ml।
साथ ही फ्रेंड्स ग्लिसरीन भी हम इसमें ऐड करेंगे 5 ml, साथ ही हमारा जो रोज़ वाटर, यानी फ्रेंड्स क्या होता है, एक तरह से आप कह सकते हैं जो हमारा रोज़ वाटर होता है QSB जिसको हम कहते हैं, उसको 100 ml हम यहाँ पे लेते हैं। अब फ्रेंड्स क्या करते हैं, सभी को यहाँ पे क्या करते हैं, ट्राइचुलेट यानी मिक्सअप कर लेते हैं मेथड के थ्रू, जिससे क्या होता है हमारा जो लोशंस होता है प्रिपेयर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट फ्रेंड्स हम यहाँ देख लेते हैं कंटेनर्स, यानी कि उनसे कंटेनर फ्रेंड्स हम रखते हैं यहाँ पे लोशंस को। लोशन शुड बी डिस्पेंस्ड इन कलर फ्लोटेड बोटल। अब फ्रेंड्स हमारे जो कलर फ्लोटेड बोटल्स होती हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्या होता है एक तरह से जो हमारे सूर्य का प्रकाश होता है वो इनके अंदर एंटर ना कर पाए, जिससे फ्रेंड्स जो इनके अंदर ये इंग्रेडिएंट्स है वहाँ पे रिएक्शंस ना कर पाए, इसलिए इनको कलर फ्लोटेड बोटल्स में यहाँ पे रखा जाता है। अब चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं हमारे जो यहाँ पे क्या होते हैं लोशंस होते हैं उसके लेबल पे क्या क्या हमारे लेबलिंग होती है, जैसे कि फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली। अब फ्रेंड्स आप इसको एक्सटर्नल स्किन पे यूज़ कर रहे हैं इसलिए ओनली एक्सटर्नल यूज़ में इस पे लिखा हुआ होता है। साथ में शेक वेल बिफोर यूज़, यानी फ्रेंड्स हमारे जो जितने भी लोशंस वगैरह होते हैं एक तरह से क्या होते हैं उसको हम हिलाते हैं यूज़ करने से पहले, जिसे फ्रेंड्स उसके भी यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल हो सकता है, तो अपनी वो फॉर्म जो उसके अंदर फ्रेंड्स पार्टिकल्स होते हैं कंटिन्यूस फॉर्म में और डिस्पेंस फॉर्म में, वो इजीली वहाँ पे मिक्सअप हो सके। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं यहाँ पे स्टोरेज कंडीशंस, इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर। फ्रेंड्स वेल क्लोज्ड कंटेनर्स होते हैं हमारे वही जो आप यहाँ पे हमने पढ़ा है कलर फ्लोटेड बॉटल्स जो यहाँ पे होती है, साथ ही में एयर टाइट कंटेनर्स। तो फ्रेंड्स क्या होता है, यानी वेल क्लोज्ड कंटेनर्स एक तरह से होते हैं भाई यूवी रेज उसके अंदर एंटर ना कर सके, साथ ही हमारे एयर टाइट होते हैं इस तरह से एयर भी उसके अंदर एंटर ना कर सके। अब फ्रेंड्स क्या होता है इनको इन कूल प्लेस, अब फ्रेंड्स क्या होता है मान लीजिए हमारा कूल प्लेस होता है एक तरह से इनका जो टेम्परेचर होता है उसको हमें मेंटेन रखना पड़ता है, यानी जिस रूम में हम इसको स्टोर कर लें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लोशन से यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, आई होप आपको पूरे वीडियो लेक्चर्स बहुत ही अच्छे समझ आया होगा। देन फ्रेंड्स इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स हम टॉपिक कवर करेंगे आपका यहाँ पे सुपर स्टोरीज। तो फ्रेंड्स मिलते हैं जल्दी आपसे।